खुदा उतना ही दे जितना मुनासिब हो, ऐ खुदा इतना ही दे कि जितना मुनासिब हो, चाहे खुशी हो या गम हो। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए खबरों का सफर शुरू करते हैं। खबरों का सफर शुरू करते हैं एक इंपॉर्टेंट खबर के साथ, एक महत्वपूर्ण खबर के साथ, एक सूचना आप तक पहुंचा दें। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है प्रशांत किशोर की, जो राजनीतिक रणनीतिकार है। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं और कांग्रेस पर उन्होंने तंज किया। उन्होंने कहा कि जब तक गांधी परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहेगा तब तक कांग्रेस का कल्याण नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष का मोर्चा कांग्रेस के बिना भी खड़ा हो सकता है। और एक तस्वीर और हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे पास ये तस्वीर है लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव का। तेज प्रताप यादव ने आज एक ट्वीट किया है। आपको बता दूं कि तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी ने क्रिश्चियन लड़की से शादी कर ली और इसके बाद उनके मामा साधु यादव ने कई तरह के व्यंग किए। इसके खिलाफ आज ट्वीट करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि जल्दी बिहार आवतानी और गर्दा उड़ा दे, इस तरह का ट्वीट किया है तेज प्रताप यादव ने। अब देखने वाली बात ये होगी कि तेज प्रताप यादव बिहार आकर किस तरह का गर्दा उड़ाते हैं। पश्चिम बंगाल में आपराधिक घटनाएं एक बार फिर से बढ़नी शुरू हो गई हैं। औद्योगिक शहर आसनसोल से हमारे पास एक खबर आ रही है। आसनसोल में डकैतों ने एक और वारदात को अंजाम दिया। आसनसोल के कन्यापुर इलाके में अमेजन का एक गोडाउन है। अमेजन के गोडाउन में 6 लोग काम करते हैं और 3 नकाबपोश अपराधी अंदर प्रवेश करते हैं और बंदूक दिखाकर यहां रखे 2,13,000 समथिंग रुपए लेकर फरार हो जाते हैं और इसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है, लेकिन अभी तक किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। हालांकि डीसी का यह कहना है, अभिषेक मोदी का यह कहना है कि बहुत जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। इस तरह की बातें पुलिस का कहना है। अब देखने वाली बात यह है कि अपराधी कब तक गिरफ्तार हो पाते हैं। जिस टाइम निकले हैं तो एक जनाए मेरे पीछे पीछे आया और मेरे ऊपर मतलब गर्दन पकड़ा, उसको बोला चलाना चलो जोर से, बोले जोर से आए, अंदर आया
अंदर आने के बाद हम लोग से सुपरवाइजर मेन सुपरवाइजर के पास गए और हम लोग को बोला कि जाओ वहाँ बैठो, चुपचाप तुम लोग बैठो, तुम लोग मारेंगे तुम बैठो। तो मेन सुपरवाइजर के पास गए, वहाँ पर उससे पूछे कि केस कहाँ है, केस वो बताए नहीं, फिर उसको एक पड़ाका मार दिया, तो मार दिया एक पड़ाका, तो फिर भी वो केस जो थे दे दिए उनको। हम लोग कुछ चुपचाप बैठे हुए थे, पूरा सिस्टम उस्टम जो है लैपटॉप वोटो सब तोड़ कर दिया, बस केस उस इतना सब लेके चला गया और कैमरा का फुटेज जो है सब लेके गया। कितने लोग थे? 3 लोग हाथ में, तो बंदूक बंदूक था, चाकू रखा हुआ था না ঘটনা হয়েছিল আমরা 8:45 কি 50 এরকম হবে, পার্টিকুলার টাইম আমি বলতে পারছি না। আমরা কাজ করছিলাম ভেতরে, তিনটে ছেলে দুজন বন্দুক নিয়ে একজন ভুজালি নিয়ে ঢুকে আসলো, একজন আমার একটা ছেলে বাইরে এসেছিলো তো বাথরুম ঠাতুম করতে বা হাত দিতে, তার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে আমরা ফার্স্ট টাইম বুঝতে পারিনি। তখন বলছে যে যেখানে বসে আছো সেখানে বসে থাকো, কেউ মোবাইল যা আছে সব টেবিলের ওপরে রাখো। আমাকে রীতি ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়ে আমাকে বললো যে ক্যাশ কোথায় আছে, বললাম ক্যাশ তো নেই, তো আমাকে মারামারি করলো, তো তারপর দেখিয়ে দিলাম যে এই ডয়ের ক্যাশ আছে, তো বলছে যে এত কম তো ক্যাশ হবে না, ক্যাশ আরও বেশি হবে, আমার কাছে খবর আছে 25,00,000 টাকা হয়। বললাম না, কেউ ভুল ইনফরমেশান দিয়েছে, মারামারি করলো, তারপরে জিজ্ঞেস করলো যে সিসিটিভি সেটা বক্স কোথায় আছে, তো আমি বললাম যে বক্স তো স্যার জানা নেই আমার, তো আমাকে বন্দুকের বার দিয়ে মারলো, তারপরে ও বক্সের ওখানে নিয়ে গেলো, বক্স বললো বক্সটা বার করো, তো বক্সটা তারপরে টেনে ওরা টেনে বার করলো, বক্সটা নিয়ে চলে গেলো, আমাদের কোনায় বসিয়ে রাখলো, বললো কেউ যদি বাইরের থেকে এসতো গুলি করে দেবো বলে ওরা বেরিয়ে গেলো, আর মোবাইলগুলো লাস্টে যাওয়ার সময় গেটের বাইরে পাশে ফেলে গেছে। ক্যাশ ছিল? ক্যাশ ছিল, হ্যাঁ ক্যাশ ছিল। কত ক্যাশ নিয়ে গেছে? 2,13,312 টাকার মতো। কোথায় মেরেছে বার থেকে? মাথায়। এটা ঘটনা কটার সময় ঘটেছে? 8:45 থেকে 8:50। কতজন এসেছিল ওরা? 3 হবে, কারণ দেখুন বাইরে কতজন ছিল সেটা বলতে পারবো না, ভেতরে 3 মতো ছিল। সবার হাতে আর্মস ছিল? দুজনের হাতে আর্মস ছিল, একজনের হাতে ভোজালি ছিল। ভোজালি ছিল এসে প্রথমে কি বলেছে? এটা প্রথমে বললো যে যেখানে বসে আছো সেখানেই বসে থাকবে, নড়ানড়ি করবে না, নাহলে গুলি করে দেবো। কি নাম তো? মুখ দেখা যাচ্ছিল? না না না, মুখে ওরা একজন মাস্ক পরেছিল, কেউ মাফলা জড়িয়েছিল, কেউ টুপি পরেছিল। আশেপাশের কোনো লোক বোঝা যাচ্ছে যেরকম দেখতে? না অ্যাকচুয়ালি এখন ঠান্ডার সময় তো সবাই তো শীতের পোশাক আর মানে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সবাই সব কিছু ঢাকাই থাকে, তবে হিন্দিতে কথাবার্তা বলছিল ওরা। আপনার নাম বলে দিন। অনুপ দাস। আপনি এখানে? আমি এখানে সুপারভাইজার। रानीगंज के राजा बांध इलाके में अंजुमन गर्ल्स हाई स्कूल के चारदीवारी की आधारशिला आज रखी गई। आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण और स्थानीय विधायक तापस बैनर्जी के सहयोग से ये काम हो रहा है और आज इस बाबत हमारे संवाददाता फैजान सिद्दीकी ने स्कूल प्रबंधन कमेटी के शाहिद से बातचीत की। मास्टर शाहिद ने पूरी जानकारी दी, उनके साथ इलाके के तमाम समाजसेवी भी मौजूद थे। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ खास दृश्य। अंजुमन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रानीगंज का बाउंड्री वाल का संग बुनियाद रखा गया है, आज मेजरमेंट भी हुआ, मार्किंग भी हुआ। ये हम लोग डिमांड किए थे हमारे मोहतरम MLA और ADDA के चेयरमैन मोहतरम जनाब तापस बैनर्जी साहब से, तो जीतने के बाद हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया और उन्होंने ADDA की तरफ से बॉन्डी वाल अंजुमन के लिए उन्होंने पास किया। आज से जीतने के बाद और आज से जो है बाजाबा तौर पर इसका काम का शुरुआत हो गया है। इसके लिए हमारे शहजादा भाई, हमारे समीम चचा, ये तमाम लोग, हाजी मोहसिन साहब, लड्डू भाई, तमाम लोग मिलकर हम लोग कोशिश किए और इसका समर आज उसका हम लोग फल जो है दस्तियाब हुआ। आज जो है बॉन्डी वाल में सभी लोग शरीक थे और अंजुमन इमदाद महमी की तरफ से अंजुमन इमदाद बहमी के सरपरस्त हाजी इसराइल खान भी मौजूद थे, अंजुमन के असिस्टेंट सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद अनवर साहब भी मौजूद थे। तमाम लोगों के मौजूदगी में मेजरमेंट हुआ फिर एक बार और उसका जो है मार्किंग किया गया और संग बुनियाद रखा गया। मैं डॉक्टर शाहिद हुसैन खान अंजुमन उर्दू गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का सदर हूँ।
सेफ ड्राइव सेव लाइफ को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में अभियान चलाया जा रहा है। इन्हीं अभियान के तहत आज एक अभियान चलाया गया कुल्टी इलाके में भी, और इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया गया, लोगों को बताया गया कि बगैर हेलमेट वाहन न चलाएं और तमाम यातायात नियमों का भी पालन करें। নিজের মাথার জন্য, মাথায় যদি কোন রকম আঘাত লাগে তাহলে সেটা কিন্তু খুব কষ্টকর, খুব ব্যয়সাধ্য এবং অনেক ক্ষেত্রে সেটা ফেটাল হয়ে যায়। বিভিন্ন জায়গায় তোমার অ্যাক্সিডেন্টের পয়েন্টে দেখো, অনেক অ্যাক্সিডেন্টের ছবি আছে এখানে। যারা সামনে আমাদের বাস স্ট্যান্ড আছে, অটো স্ট্যান্ড আছে, যারা এখানে বাস এবং অটো স্টাফ ড্রাইভার যারা আছে তারাও দেখছি অনেক আছে এখানে। তো প্রত্যেকেই এই পথ নিরাপত্তার ব্যাপারগুলো একটু মাথায় রাখবেন। যারা ফোর হুইলার ড্রাইভ করেন তারা অবশ্যই সিট বেল্ট পরবেন, আর নিজের সুরক্ষাপ্রাণে একদম রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁষে খুব সাবধানে এবং আস্তে আস্তে চালাবে। কারণ তোমরা যখন বাইরে বেরোচ্ছ তখন তোমাদের মা বাবা প্রত্যেকেই ওয়েট করে থাকে যে আমার বাচ্চা কখন সুরক্ষিত অবস্থায় যখন আবার বাড়িতে ফিরবে। তো তোমাদেরও একটা দায় দায়িত্ব আছে, সবসময় মা বাবা হয়তো সঙ্গে আসতে পারে না, সাথে আসবো। শুভ সকাল। আমাদের আজকে সাতরিয়া থারি আমাদের কুলটি থানা এবং কুলটি ট্রাফিক গার্ডের চেষ্টায় আমরা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ মতো আজকে সেফ ড্রাইভ সেফ ড্রাইভের একটা প্রোগ্রাম আমরা ঠিক করেছি এখানে করছি। আমাদের ডিসেম্বর মাস এবং জানুয়ারি মাস এই দু মাস ধরে আমাদের এই সেফ ড্রাইভ সেফ ড্রাইভ প্রোগ্রামটা চলবে। এটা করার কারণ মূলত হচ্ছে আমাদের বড় ক্ষতি এনে দেয় ছোট্ট একটা ভুল। বাইক থেকে বেরোনোর সময় আমরা মোটরসাইকেলে বেরোই, আমরা হেলমেটটা পরি না, অনেকে আবার হেলমেটটা নেয় নিয়ে হ্যান্ডেলে কিংবা। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। देश भर में आपको बता दूं कि संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से लगातार अभियान चलाए गए ताकि कृषि कानूनों को वापस ले लिए जाए। आखिरकार केंद्र सरकार को हार माननी पड़ी और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी केंद्र सरकार को। इसके बाद आज संयुक्त किसान मोर्चे से जुड़े तमाम लोग आज विजय दिवस के तौर पर मना रहे हैं। आसनसोल में भी आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और संयुक्त किसान मोर्चे के पश्चिम बंगाल के प्रभारी तजिंदर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की और अपनी बातें रखी। उनका कहना है कि ये किसानों की सबसे बड़ी जीत है। आज आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अगुवाई में हमारे सिख समाज के लोग और बर्दवान जिले की सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां और हमारी जो वेस्ट बंगाल किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके नुमाइंदों के साथ
चूंकि हमारे संयुक्त किसान मोर्चे का जो किसानी आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर में पिछले एक साल से चल रहा था, 378 दिन पूरे होने के बाद सरकार ने बिना शर्त उनकी सभी मांगों को एड्रेस किया है और सभी मांगों को बिना शर्त मान भी लिया है। और ये म्यूचुअल कॉन्सेंट के द्वारा इस किसानी आंदोलन की विजय हुई है। और इस विजय का श्रेय जो है वो ज़्यादातर पंजाब को जा रहा है, क्योंकि पंजाब स्टेट ने इस किसानी आंदोलन को अगुवाई दी, इसको बहुत बड़ी उच्चता की तरफ लेकर गए। जो कहते थे कि किसानों को अपने फायदा और नुकसान किसानी के बारे में नहीं समझ आता है, उन्होंने यह साबित किया कि किसान अपना भला और बुरा बहुत बाखूबी समझते हैं। और जो कहते थे कि उनको टेबल टॉक में अपनी बात मनवानी नहीं आती है, उन्होंने टेबल टॉक भी 11 दफ़ा सरकार के साथ किया और ये सिद्ध किया कि हमारी जो मांग है वो मानवता की मांग है। और हर आदमी जो खाद्य सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, वो सबका सहयोग किसानी आंदोलन के साथ था। जो आवाज़ पंजाब ने उठाई, उसको उसके छोटे भाई हरियाणा ने साथ दिया, और हरियाणा के साथ में आने के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, ये सारी स्टेटों का बहुत बड़ा योगदान है। और आपने देखा जो आखिर में जब 5 नाम मांगे गए थे तो सरकार को ये अंदेशा था कि शायद ये 400-500 के तकरीबन जो संस्थाओं का मेल है, संयुक्त किसान मोर्चा, ये किसी मतलब निर्णय पे नहीं पहुंचेंगे। 5 नाम पे हो सकता है इनके अंदर में कोई कंट्रोवर्सी हो। बड़ी सूझबूझ का परिचय दे करके उन्होंने यूनानिमसली 5 नाम डिसाइड किए। और हमारे लिए, पश्चिम बंगाल के किसान आंदोलन के समर्थकों के लिए, ये गर्व का विषय है कि उसमें से 3 लोग हमारे इस आंदोलन में पश्चिमी बंगाल में शमूलियत कर चुके थे और उन्होंने अपनी काबिलियत को सिद्ध किया और सरकार को इस जगह पे पहुंचाया कि उनकी जो भी जायज़ मांग थी, सभी मांगों को उनको मानना पड़ा। और आज संयुक्त किसान मोर्चे ने यह तय किया था कि 10 तारीख को फतेह दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। उस फतेह दिवस का एक छोटा सा प्रदर्शन हम लोग प्रेस वार्ता के द्वारा, पश्चिम बंगाल के कृषक समर्थक जो लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन की सफलता में छोटा सा अपना हिस्सा दिया था, वो भी आप सभी संवाद माध्यम के द्वारा, क्योंकि संवाद माध्यम का भी बहुत बड़ा रोल है। आपने देखा होगा कि वहाँ संयुक्त मोर्चे ने विधवता में भी अपना परिचय दिया, उन्होंने ट्रॉली टाइम्स, ट्रैक्टर टाइम्स जैसी अखबारें वहाँ से छाप करके अपनी जो वार्ता थी वो पब्लिक तक पहुंचाई, सोशल मीडिया में अपनी बात को पहुंचाया, पेपर में हमारी वहाँ की जो पंजाबी ट्रिब्यून अखबार है या अजीत अखबार है, विदेशों तक ये किसानों की बात को, जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंचाना चाहता था या दबाना चाहता था। आपने देखा होगा फिजिक्स का एक नियम है कि जिस चीज़ को जितना दबाएंगे वो चीज़ उतनी फैलती है। इसी तरह सरकार ने शुरुआत में पिछले एक साल तक इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश की, जितना उन्होंने इस मूवमेंट को दबाया उतना ये मूवमेंट फैल करके बड़े रूप को धारण किया। और हम लोग इस आज संयुक्त मोर्चे का जो आह्वान है इस विजय दिवस को यहाँ पालन करने के लिए, संवाद माध्यम के द्वारा पश्चिम बंगाल के सारे कृषक समर्थक लोगों को ये धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं और सरकार का भी धन्यवाद करते हैं और उनका स्वागत करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी सूझबूझ दिखाते हुए विश्व लेवल पर एक नज़ीर पेश किया है, एक एग्जाम्पल पेश की है। किसी नियम को पास कर लेने के बाद पार्लियामेंट में कोई नियम अगर बन जाता है पास होकर के अपनी पूरी फॉर्मेलिटी को पूरा करके, वो कभी भी किसी भी कीमत में वापस नहीं लिया जाता है, उसमें अमेंडमेंट जरूर की जाती है। तो सरकार की मंशा पहले ही थोड़ी बहुत गलत थी, दबाव वाली नीति में वो चल रहे थे, डिवाइड करने के रूल में चल रहे थे। पहले उन्होंने इन किसानों को मवाली, आतंकवादी पाकिस्तानी ये सब चीज़ों की संज्ञा देख लिया भी किसी भी तरह से ये अपने मनोरथ, अपने टीचे और अपने जो उनका मुकाम था उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने साबित किया अपनी लड़ाई को दीर्घकालीन, तकरीबन एक साल से ऊपर, शांतिप्रिय तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पे पूरे विश्व को दिखाया कि बिना राजनीतिक पार्टियों के संरक्षण से, बिना राजनीतिक लोगों के समर्थन से अपनी मांगों को मनवाना अपने तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से उनको आता है। और ये इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि किसी गैर राजनीतिक संस्था ने अपनी मांगों को, और जो संख्या गरिष्ठ, जो डेमोक्रेटिक वे में, जिनके पास में पूरी मेजॉरिटी हो 303 की,
उनको किस तरह से घुटनों पे लाके अपनी बात को मनाया जाता है, ये नज़ीर उन्होंने पेश किया है। इसमें आम लोगों में जागृति आएगी, अपने आधिकारिक अधिकारों के लिए लड़ना आएगा और आने वाले दिनों में ये शांतिप्रिय और जो गांधीवादी नीति है उस नीति का पालन करते हुए हम किस तरह से अपने आप को सफल बनाएंगे। और आज ये सफलता का जश्न मनाने का दिन है, इसीलिए हम आप सभी का। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ किए जाने पर पूरे देश में भाजपा कर्मी अपनी तरह से जश्न मना रहे हैं और कई तरह की एक्टिविटी चलाई जा रही है। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में भी आज सफाई अभियान चलाया गया। बराकर के बैगुनिया मोड़ इलाके में सिद्धेश्वरी मंदिर में यहाँ के भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार के नेतृत्व में साफ सफाई का अभियान चलाया गया। कुल्टी के पत्थर खाद सेंट्रल कब्रिस्तान की रहने वाली एक महिला ने खुदकुशी कर ली, अपनी ही लीला समाप्त कर ली। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता वसीम खान ने तफ्तीश की और उसके रिश्ते में उसकी बहन लगने वाली पूजा बावरी से बात की। मृतका का नाम मधु बावरी बताया जाता है, वही किराए के मकान पर यहां रहती थी। आइए देखते हैं कि उसकी बहन पूजा बावरी का इस संदर्भ में क्या कहना है। क्या हुआ आज, क्या घटना क्या हुआ, ये थोड़ा सा बताओ डिटेल्स में। पता नहीं कैसे का हुआ, हमको इतना तो पता है, जब घर आए तो देखे लटका हुआ था मेरे बाहर। अच्छा, तो तुम जब घर, तुम कहाँ गई थी? हम गए थे पापा के पास। तो घर में अकेले थी? हाँ, वो अकेले थी। तो जब तुमने आया, तुम आई घर पे, तो क्या देखी? वही देखे, सब बोल रहा जितना बहन ऐसे कर लिया, तो इधर देखने भी नहीं आ पाए, देखे तो खाली सुने, उतना ही वहाँ खड़ा रहे। फिर जब सब कोई आया तब उसको खोला, तब देखे थोड़ा सा। क्या माने, क्या देखी? वही देखे जो लटका हुआ था, उतारा है तो गला में, हाँ, गला में दाग हो गया। तो उसके बाद तुमने थाना को खबर किया? थाना में तो हम खबर नहीं किया, जिसका घर है वो खबर किया। और वही बोला जो किसका घर है, बेचू भैया बोला, बेचू भैया बोला जो पुलिस को बुलाना पड़ेगा, हम लोग कैसे हाथ नहीं दे सकते। पुलिस आया? पुलिस आया, पुलिस ही। पुलिस के फिर आने के बाद पुलिस आया, कुछ पूछा जो कैसे क्या किया, हम इतना ही जानते हैं, हम यहाँ घर पे थे नहीं, हमको कुछ पता नहीं है। अरे ऐसा मैं कोई कुछ बोला भी नहीं है उसको, जैसे करेगी तो फिर पुलिस जो है, पुलिस बोला जो ठीक है अब इसको ले जाना पड़ेगा पोस्टमार्टम करने के लिए। फिर पुलिस लेके गया, लेके चल गया। अच्छा, तुम्हारा नाम? पूजा। तुम लड़की का कौन है? लड़की का बहन है, बड़ा बहन।
ब्लड डोनेशन कैंप्स लगातार लगाए जा रहे हैं राजनीतिक संस्थाओं की तरफ से, गैर राजनीतिक संस्थाओं की तरफ से भी। आज भी आसनसोल के रेलपार इलाके में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे इलाके के विधायक और पश्चिम बंगाल सरकार के कानून और पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री मलय घटक। उन्होंने यहां पहुंचकर रक्तदाताओं के हौसले भी बढ़ाए। मरीज जो खून का बगैर मर जाते हैं, और खून एक आदमी का सबसे ज्यादा बड़ा दान होता है। कोई अगर खून देते हैं तो 24 घंटे के अंदर उसका खून पूरा हो जाता है, इसलिए खून देने से कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन तभी जितना खून का जरूरत है देश को, उतना खून हम लोग जुगाड़ नहीं कर सकते थे। लेकिन साइंस के तरक्की के साथ अभी खून का विभाजन होगा, ब्लड सेपरेशन होगा। हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को हम लोग धन्यवाद देंगे कि ये ब्लड सेपरेशन का जो मशीन है, जो यूनिट है, ये करीब 4 साल आगे हम लोग को आसनसोल को दिया। आसनसोल में अगर आज 10 आदमी खून देंगे तो पहले 10 ही आदमी मरीज को दिया जाता था, लेकिन इसको अभी विभाजन करके इसमें 30 आदमी को भी दे सकता है। अगर किसी का डेंगू हुआ तो खून से खाली प्लेटलेट का दरकार होता है उस मरीज को बचाने के लिए, और बाकी खून दूसरा मरीज को दिया जाता है जिसका और कोई चीज का जरूरत है। तो ये ब्लड सेपरेशन यूनिट हम लोग को मिला। हम लोग का चीफ मिनिस्टर को धन्यवाद देते हैं। आप लोग जानते हैं कि ये सरकार, हम लोग का चीफ मिनिस्टर जब तक जो काम किया देश में, कोई प्रदेश में कोई चीफ मिनिस्टर अब तक करने नहीं सकता। हम लोग का पश्चिम बंगाल में रेशन अभी फ्री है। हम लोग का पश्चिम बंगाल में हर आदमी को, हर परिवार को 5 लाख तक स्वास्थ्य साथी का कार्ड दिया गया। किसी का इलाज का दरकार हो, कोई भी बड़ा हॉस्पिटल हो, 5 लाख तक पैसा साल में सरकार की तरफ से दिया जाता है। अभी जितने भी महापान बहन लोग हैं सबको 500,000 रुपया करके दिया जाता है, लुप्ति का भंडार। सबका घर में, सबका बैंक अकाउंट में पहुंचा दिया जाता है। आज जो लड़की लोग पढ़ती है कन्याश्री में उन लोग को मदद किया जाता है। 18 साल उम्र होने से 25,000 रुपया मिलता है और फ्री साइकिल भी मिलता है। तो ऐसा 74 स्कीम हम लोग का सरकार, हम लोग का चीफ मिनिस्टर चलाते हैं, जो जनता के लिए, सेवा के लिए किया गया। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा।